हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय लाइफ इज़ वंडरफुल और मैं हूँ साथी। सो टाइटल देख के तो पता चल ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ। सो मैं आज मेरी बेटी का डेली रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वो अभी 4 साल की है, मतलब 4 साल की होने ही वाली है। आज 10 दिन बाद ही वो बिल्कुल 4 साल की हो जाएगी। सो अभी मैं उठा रही हूँ उसे। तो सुबह 8 बजे के करीब मैं उठाने जाती हूँ। अगर ज़्यादा नखरा करती है तो नहीं उठाती हूँ, और अगर आराम से उठ जाती है तो मैं उठा देती हूँ, और नहीं उठती है तो वो उसके मर्जी, चाहे 9 साढ़े 9 बजे उठ जाती है, उससे ज़्यादा नहीं। सो आज तो वो उठ चुकी है। सो उठने के बाद उसके अभी भी थोड़ी देर चलेगी मस्ती, फिर ही उठेगी वो बिस्तर से। सो उठने के बाद मैं उसे डायरेक्ट अभी फ्रेश करवा के ब्रश करा दूँगी, वरना अगर थोड़ी सी भी लेट हो जाती है तो वो ब्रश नहीं करती है। और तो इसीलिए मैंने उसे ब्रश करवा दिया है। और फिर मैं उसे देती हूँ हनी और थोड़ा सा गुनगुना वाटर, या फिर ठंडा जैसे कि नॉर्मल वाटर भी दे देती हूँ। वो उसके मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पीना चाहती है कि नहीं। सो और हनी के साथ, मतलब पानी के साथ मैं हनी नहीं मिला के देती हूँ, क्योंकि उसे वो पसंद नहीं है, तो मैं अलग अलग ही देती हूँ। और फिर आधा घंटे के बाद मैं उसे दूध दे देती हूँ। मतलब अभी 8:30 हो रहा है तो दूध दे दिया है मैंने उसे। और सुबह जो दूध देती हूँ हेल्थ ड्रिंक मिला के ही देती हूँ मैं। और आज जैसे कि वो जल्दी उठी है, मतलब 8 साढ़े 8 बजे उठ चुकी है, तो इसलिए मैंने उसे दूध दे दिया। और अगर वो लेट करके उठती, मतलब 9 साढ़े 9 बजे उठती, तो मैं उसे दूध नहीं देती हूँ, डायरेक्ट मैं उसे ब्रेकफास्ट करवाती हूँ। और फिर वो अभी देखिए खेलने में बिजी हो गई है, सो खिलौना निकाल के मैं इसीलिए यहीं पर रख देती हूँ उसका खिलौना, ताकि वो जब चाहे निकाल सके अपनी मर्जी और समेट भी सके। सो वो अभी खेलने में बिजी है, तो मैं अभी चली जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। सो मेरा तो सुबह का काम हो गया है, मतलब वो जब तक उठती है मेरी बेटी, तो उससे पहले मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ। फिर वो अभी उठ गई है तो मैं अभी जाऊँगी ब्रेकफास्ट बनाने। और हम जो ब्रेकफास्ट खाते हैं उसे भी वही देते हैं। सो आज उसे पूरी खाने का मन किया है तो मैंने बना दिया, क्योंकि पूरी भी उसका एक फेवरेट चीज़ है, तो वो बहुत ही आराम से खा लेती है ये। तो मैंने जब उससे ब्रेकफास्ट में पूछा कि तुम क्या खाओगी, तो उसने बोला कि मम्मा पूरी सब्ज़ी बना दो। तो मैंने बोला ठीक है, आज बहुत दिनों से बनाई भी नहीं थी, तो चलो बना देती हूँ, मेरा भी हो जाएगा। और उसे इतना ज़्यादा पसंद है कि आप देखना थोड़ी देर बाद ही वो खेलते खेलते ही ख़त्म कर लेगी, और ख़ुद से आके बोलेगी कि मैं दे दो मुझे, ख़त्म हो गया है मेरा। सो इतना ज़्यादा पसंद है उसे। और बच्चे को जो चीज़ पसंद होता है वो खिलाने में देर नहीं लगती, वो फटाफट से खा लेती है। और अभी उसका खेलना ख़त्म हो चुका है, बैठ गई हो, मतलब खिलौना जो है बैग के अंदर कर लिया है उसने, घर लेके जाना है उसे। और अभी वो देख रही है उसका फेवरेट कार्टून, और मैं चली जाऊंगी अभी नहाने, क्योंकि ब्रेकफास्ट वगैरह तो ख़त्म हो चुका है, सारा काम हो चुका है, 10:30 हो रहा है, तो मैं अभी नहाने चली जाऊंगी। और आके देखा तो बेटू देखिए ड्राइंग कर रही है, क्योंकि पानी हो रहा, मतलब बारिश हो रहा था, जो सिग्नल चला गया था टीवी का, तो कार्टून तो चल नहीं रहा था, तो वो क्या करेगी अकेली, तो इसीलिए ये देखिए खिलौना लेके भी आ गई, और फिर अपना खुद का बुक्स निकाल के वो कलर करने बैठ गई है अभी। और फ्रेंड्स अभी टाइम हो रहा है 11:30, और इस टाइम पे 11:30 से 12 बजे तक मैं उसे थोड़ी सी फ्रूट्स दे देती हूँ, मतलब हाफ एप्पल कट के दे देती हूँ और एक बनाना दे देती हूँ, मतलब जो उसे पसंद है ज़्यादा फ्रूट्स वही खाती है, आप जो बोलोगे वो नहीं खाएगी, तो ऐसी है। सो मैंने उसे काट कर दे दिया है। और कुकिंग करते हुए ही बीच बीच में मैं ये सारा काम कर लेती हूँ, और फिर मैं उसे नहला भी दिया है, क्योंकि 12:30 हो गया था तो मैंने उसे नहला दिया। और सुबह सुबह मैं नहीं नहलाती हूँ, उसी टाइम पे मैं उसे नहलाती हूँ रोज़, ये मेरा रोज़ का रूटीन है। आप मेरे डेली ब्लॉग में भी देखते होंगे कि मैं कुकिंग करने के बाद या फिर कुकिंग करते हुए ही उसे नहलाती हूँ ज़्यादातर दिन। सो मैंने उसे रेडी कर दिया है, और अभी तो मेरा कुकिंग भी ऑलमोस्ट कम्प्लीट हो ही गया है। सो मैं अभी आके बैठ गई हूँ मेरी बेटी के साथ थोड़ी सी बातें करने के लिए, उसके साथ ही थोड़ी सी टाइम स्पेंड करने के लिए। सो कार्टून भी देख रही हूँ मैं उसके साथ, अच्छा भी लगता है बच्चे के साथ थोड़ी सी, बच्चे के साथ थोड़ी सी बैठ कर कार्टून देखने में, मतलब कार्टून देखना भी मुझे बहुत पसंद है, और उसके साथ थोड़ी सी मस्ती करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी भी नहीं आए हैं, तो
ये तो कर ही सकते हैं बैठ के। और फिर मैं अभी उसे लंच कर पा रही हूँ, 1 बज रहा है अभी। सो लंच में भी मैं ही खिलाती हूँ, बस उसके लिए मिर्च नहीं डालती। वो जो खाती है उसमें मैं मिर्च नहीं डालती, उसके लिए थोड़ी सी अलग करके बना देती हूँ लंच में, क्योंकि हम तो मिर्च खाते हैं पर उसे नहीं देते हैं। और फिर मैं अभी उसे लंच करवा दूँगी, फिर हम लोग भी लंच कर लेते हैं। और आज जैसे कि वो 8:30 बजे उठी है, तो आज वो दोपहर को सोएगी नहीं। तो ये देखिए हम लोग का भी लंच हो चुका है और वो अभी अपने खेलने में व्यस्त है। अभी वो कुछ लेके आएगी, इधर से उधर उधर से उधर करती रहेगी, क्योंकि अब तो डेली व्लॉग में देखते हो मेरा घर का हालत कैसा होता है। सो अभी शाम होने को आया है, तो मैं अभी उसे दूध दे रही हूँ। 5:30 हो रहा है अभी टाइम, तो दूध के साथ हेल्थ ड्रिंक जो मैंने सुबह बनाया, 2 बार दे देती हूँ मैं सुबह और शाम को। सो अभी वो रेडी हो चुकी है बाहर जाने के लिए, अभी वो खेलने के लिए जाएगी, क्योंकि शाम होने के बाद वो और घर में मुझे रहने नहीं देगी, उसे बाहर जाना ही जाना है। सो चलिए मैं उसे अभी खिला के लेके आती हूँ थोड़ी सी। सो ये देखिए अभी वो आ भी चुकी है और उसे मैंने फ्रेश करवा दिया है, मतलब ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया है और हैंड वॉश वगैरह कर लिया है। सो बाहर से आने के बाद मैं उसे दे देती हूँ थोड़ी सी पानी, तो सिर्फ पानी नहीं पीती है, तो इसलिए कुछ भी उसमें डाल के देना पड़ता है, स्क्वाश हो, रसना हो, कुछ भी। सो या फिर जूस हो, कुछ भी हो, तो उसे मैं दे देती हूँ। और फिर मैं उसे डिनर करवाती हूँ 8:30 बजे मैं उसे डिनर करवा देती हूँ। बाहर आने के बाद मैंने डिनर भी रेडी कर लिया है और उसे मैंने दे भी दिया है। और ये देखिए ये बड़ा सा टेडी उस साइड से खींचते हुए इसमें घर में लेके आई है, अभी इसके ऊपर बैठ के खानी है उसे अभी डिनर। सो चलिए मैं अभी उसे फटाफट से डिनर करवा देती हूँ। और आज तो वो दोपहर को सोई नहीं है, तो आज जल्दी सो जाएगी रात को। और 9:30 बजे के करीब अगर सो जाती है तो मैं उसे और रात को दूध नहीं पिलाती हूँ। और अगर नहीं सोती है, मतलब 10 से 11 बज जाता है, तो वो उसे मैं दूध दे देती हूँ और एक बार। सो चलिए फ्रेंड्स, यही था मेरा बेटी का डेली रूटीन। और तो वो अभी सो जाएगी क्योंकि आज सोई नहीं है, मैं उसे देख के समझ सकती हूँ, क्योंकि उसका आँख जो है छोटा छोटा हो गया है, तो उसे अभी नींद आएगी, 9:30 बजे सो भी जाएगी वो। तो चलिए इस वीडियो को मैं भी यही पेन करती हूँ, क्योंकि यही था मेरी बेटी का डेली रूटीन। और आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए, और अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।